हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखो, मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ और मेरा पूजा पाठ भी हो गया है। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करवा देती हूँ। और मम्मा वहाँ पर बैठ के गीता पढ़ रही है और मेरा नहाना पूजा करना सब कुछ हो चुका है। और हमने ब्राह्मण दान के लिए सारा कुछ निकाल दिया है, वहाँ आपको रेक पर रखा हुआ दिख रहा होगा। और मम्मा साथ में गीता पढ़ रही है और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएँ। ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है व्लॉग के अंदर। तो थोड़ी सी कथा आप भी सुन लो, बस खत्म ही होने वाला है। ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए, इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है सुनता है तो तब बस करता है, उसे इस व्यवसाय को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। सो हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। 15 जनवरी है आज संडे, और बहुत ठंड हो रखी है। बस मेरा पूजा पाठ खत्म हो गया है और बस मैं जा रही हूँ अभी, एक कप चाय पीऊँगी और फिर सब्जी बनाऊँगी। भोग वगैरह लगा दिया है मैंने, दही चूड़ा तिलकुट भटोरा ये सब। और ठंड हो रखी थी तो सॉक्स लगा रही हूँ अभी। और इधर हीटर भी जला के रखा है मैंने क्योंकि बहुत ठंड हो रखी है। कुहू अभी अभी जगी है तो मैं उसको ब्रश करने के लिए देके आई हूँ। बस चली ब्रश करा के आती हूँ, साथ में थोड़ा चाय पियेंगे। तो चलिए देखते हैं, मम्मा को मैंने चाय दे दिया है, ब्रश कर रही है वो। करो ब्रश करो, अभी तक नहीं किया। ये देखिए कुहू भी जग गई है, हाय करो। आयो ब्रश करो, ब्रश भी करो साथ साथ में। और ये देखिए भोग लगा के हम आ गए हैं। चूड़ा दही मिष्टी दही है और ये पटौरा और गुड़ है। ये चूड़ा का तिलवा हम लोग बोलते हैं, लाई इसको आप लोग बोलते हैं, चूड़ा का तिलवा। और ये है तिलकुट। तो सब कुछ ये कान्हा जी को हमने भोग लगा दिया है और पूजा पाठ खत्म हो गया है। ये देखिए चुटकी से मटके में दही है, ये देखिए। तो फाइनली इधर मैंने आलू बॉईल कर लिया है, मटर मम्मा छील रही है, तो फटाफट से सब्जी बनाएंगे और चूड़ा के साथ खाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा चाय पीते हैं क्योंकि ठंड बहुत है और चाय के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ठंड में। तो पहले एक कप चाय पीती हूँ। सो गाइस, फाइनली सारा काम मतलब जो फैला हुआ था वो सब समेट दिया है मैंने, जितना भी वो सब चूड़ा वगैरह इधर उधर पड़ा हुआ था, और सब कुछ समेट के अभी जस्ट आई हूँ। और बहुत टायर्ड हो गई थी, क्या ही बोलूँ मैं टायर्डनेस के बारे में। वो भी जस्ट एक कटोरी दही लिया है, दही खा रही थी धूप में बैठ के। और अभी पैर को आलता लगाना है, हैंड फिंगर्स वगैरह कलर करने ये सब रिमूव करके। बट उससे पहले लंच का टाइम हो गया है, एक बजने वाला है, तो कुहू को कुछ खिलाती हूँ सोच रही हूँ, लेकिन वो घर पर है नहीं। फ़ोन कर कर अभी बुलाऊँगी उसको, उसके बाद पापा के साथ कहीं गई हुई है ऐसे ही घूमने के लिए, तो बुलाऊँगी अभी और फिर उसको कुछ खिलाऊँगी। और इतना ज़्यादा फैला हुआ था आपने देखा, मैं एकदम टायर्ड हो गई हूँ सब समेटते समेटते, सब बॉक्सेस वगैरह में फिल किए हैं।
अभी जस्ट और थोड़ा सा बैठी हुई हूँ, सोच हेयर ड्राई नहीं किया था, गीला था हेयर, ऐसे ही बन बना के रखा हुआ था, तो अभी हेयर खोला था ड्राई होने के लिए। सारे चेयर पर कल जो कपड़े धुल के आए थे ना, वो सारे इधर चेयर पर पड़े थे, वो सारा मैंने अभी फोल्ड करके अंदर रखा है। और जितने भी लोगों ने जो पूजा का सामान भेजा था, वो सब कुछ भी इस तरह करके देखो बॉक्सेस वगैरह में फिल किए हैं सारा। और कुछ यहाँ पर भी पड़ा हुआ है अभी इसके नीचे है, जलेबियाँ वगैरह भी लोग दे जाते हैं, ये देखो। तो सब्जियाँ भी, फूल गोभी पत्ता गोभी वगैरह दे के गए थे, तो ये सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, समेटा है मैंने, मतलब क्लीन करके एक साइड कर दिया है। उधर बॉक्सेस वगैरह वो जो बकेट है उसमें, और ये जो डब्बा है इसमें चूड़ा वगैरह, चूड़ा का जो वो तिलकुट होता है, वो तिलवा होता है, जिसको मैंने सुबह आपको दिखाया था बांधा हुआ गुड़ में मिला के, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो सब समेटा है मैंने, दूध आया था, दूध को बॉईल करके रख दिया है, और यहाँ पर जो लोगों ने दही भेजा था वो दही है, और सब्जी मैंने बनाई थी वो है, और यहाँ पर देखो पूरा बिखरा पड़ा था, वो सब क्लीन करके रैक वगैरह सारा कुछ जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो सब क्लीन कर लिया है, बस सब कुछ अरेंज करके रख दिया है। बर्तन वगैरह पड़े हैं अभी किचन के वॉश बेसिन में, ये देखो, तो सुबह के नाश्ते का बर्तन है वो सब। दीदी आएगी तो धोएगी, सबने सब नाश्ता करके बाहर गए हुए हैं। कपड़ा वगैरह मैंने छत पर फैलाया है आज वाला धुलवा के, और जो कल जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना, उसको थोड़ा सा धूप में दे देने से उसमें से स्मेल चली जाती है, अगर वॉश नहीं, जब तक मैं उसको वॉश नहीं करती हूँ, 3-4 दिन पहन के तो स्वेटर वॉश कर देती हूँ, तो जब तक नहीं वॉश करती हूँ 3-4 दिन तो यूज़ करती हूँ, तो दोपहर के टाइम में जब खोलती हूँ तो उसको थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। इधर देखो मैंने धूप में फैला दिया है वो सारा, ये सब वॉश्ड क्लोथ नहीं है, ये सारे वही जो कल यूज़ किए हुए स्वेटर्स वगैरह थे, तो इधर फैलाया है। पूजा वगैरह ख़त्म हो गया है हमारा, बस थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, उसके बाद कुछ खाएंगे, कुकू को बुलाती हूँ, उसके बाद खिलाऊंगी उसको, और मैं तो पूरा फुल हूँ, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, बहुत ही टायर्डनेस, सॉरी सुबह बहुत जल्दी उठी थी इस वजह से नींद आ रहा है, बट सबसे पहला प्रायोरिटी मैं अभी कुकू को खाना खिलाना है, मैं अभी बुलाती हूँ फ़ोन करके और फिर उसको कुछ खिला देती हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होंगी। तो ये था मेरा मकर संक्रांति का मॉर्निंग टू आफ्टरनून ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। मैंने तो बहुत कुछ इसमें ऐड नहीं किया है, जो पूरे रूम में फैला हुआ वो चूड़ा और ये सब था, तिलवा सारा कुछ पूरा बकेट में भर भर के रख दिया है मैंने, वो जो ढक्कन वाले बकेट होते हैं, क्योंकि पूरा टेबल पर ऐसे फैला हुआ था, तो वो सारा कुछ समेटा है मैंने, बस। तो आज का इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ जल्दी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग भी मकर संक्रांति कैसे इंजॉय कर रहे हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने को दिल चाहता है, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।